एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा के द्वारा ऐलान जुर्म अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को कैंपियरगंज, पीपीगंज कस्बा व चौरी चौरा थाना के बसडीला गांव में तथा खजनी थाने के बारी गांव व सरया तिवारी गांव और बेलघाट थाना क्षेत्र के जैती गांव तथा बासगांव थाना क्षेत्र के लाही डाडी गांव एवं कोतवाली थाना क्षेत्र के मुफ्तीपुर में अपराधियों के घर पर डुगडुगी बजवाकर उनके आपराधिक कार्यों को बताने का कार्य कर रही है और आम जनमानस को अपराध और अपराधियों के कृत्यों के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। एसएसपी के निर्देश अनुसार जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चोर लुटेरों को चिन्हित करके पुलिस द्वारा उनके घर जाकर डुगडुगी पिटवाया गया है तथा अपराधियों के कार्यों से सभी नागरिक को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा, इसका उद्देश्य है कि जनपद के सभी नागरिक इनके कार्यों को जानें और सतर्क रहें तथा इन अपराधियों पर अंकुश लगे। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अपराधी अगर किसी कार्य में सक्रिय पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, सुनो सुनो, मोहम्मद फैजल और तौकीर और मोहम्मद जफर या एक वाहन चोर है, एक घूम के गाड़ियों की चोरी करता है। आप कह रहे मैं नहीं जानता है, ये गाड़ी चोरी का काम करता है, गोरखपुर में भी चोरियां करता है, अम्बेडकर नगर में आप बताई रहे हैं। यह एक वाहन चोर है, आसपास गांव वाले जान जाते हैं, ये वाहन चोरी का अपराध करता है। जब भी आप दिखाई दे तो आप लोग सूचना दीजिए। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो भी पुराने वाहन चोर या लुटेरे हैं उनको चिन्हित करके और उनके घर पे जाके डुगडुगी बजवाई गई है और लोगों को सचेत किया गया है। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी चोरी और लूट करने की आदत है, तो इनसे सतर्क रहें, कहीं भी हों तो इनकी सूचना दें। इन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से ये कार्रवाई की गई है। अगर ये सक्रिय पाए जाते हैं आपराधिक गतिविधियों में तो इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक रूप से उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी।